सिर्फ एक चीज जो आपको जानना जरूरी है वो ये कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है। वायरस फैलता है जब ये संक्रमित बूंदें आपके अंदर आँखों, नाक या मुंह के जरिए किसी संक्रमित व्यक्ति की वजह से पहुंच जाती हैं। इसीलिए अगर आप किसी को खांसते, छींकते या संक्रमित देखें, तो आप इन सुझावों का पालन कर सकते हैं। पहला, दूरी बनाएं। 2 मीटर से 0.5 मीटर की दूरी आपको बड़ी संक्रमित बूंदों से सुरक्षित रखेगी। या संक्रमित व्यक्ति को एक मास्क दें। वे इसमें खांस या छींक सकते हैं, इससे आसपास के लोगों का बचाव होगा। और सामान्यतः भीड़ वाले स्थानों से बचना अच्छा विचार है, क्योंकि आप नहीं जान सकते कि कौन संक्रमित है। मुमकिन है कि संक्रमित होने पर भी लक्षण ना जाहिर हों, लेकिन फिर भी वो संक्रमित हो सकते हैं। हो सकता है कि वो संक्रमित नहीं है, बस अपना बचाव कर रही है। हालांकि एक संक्रमित व्यक्ति की लार दूसरी चीजों पर पड़ सकती है, उनके हाथ, दरवाजे की घुंडी, पेन, माउस, डिजिटल उपकरण, टिश्यू, कप, सीढ़ी की बनियों, लिफ्ट बटन्स, यहाँ तक कि आपके चेहरे के मास्क के ऊपर भी। और अगर अनजाने में आप इनमें से किसी भी चीज को छू लेते हैं और फिर उस हाथ से अपने चेहरे को छूते हैं, आंखों को मलते हैं या अपने प्रियजन के चेहरे को छूते हैं, तो आप सबके संक्रमित हो जाने की संभावना है। चीजों पर वायरस 48 घंटों तक जिंदा रह सकता है, और उनसे छुटकारा पाने का सिर्फ एक प्रभावशाली तरीका है कि उन्हें साबुन से धो दिया जाए। इसीलिए अच्छा होगा अगर आप पालन करें इन 5 सावधानियों का। पहला, अपने हाथों को पूरी तरह धोएं साबुन और पानी से कम 20 सेकंड किसी भी संभावित संक्रमित जगह को छूने के बाद। हाथों को साबुन से यहाँ तक धोएं। पूरी तरह का क्या मतलब है? हाथों के पीछे धोएं, उंगलियों के बीच, नाखूनों के नीचे। हैप्पी बर्थडे गीत को 2 बार गुनगुनाना काफी होगा। अपनी खांसी को एक डिस्पोजेबल टिश्यू से ढकें या मास्क का इस्तेमाल करें और फिर उन्हें तुरंत कूड़ेदान में फेंक दें। मास्क को 1 दिन से ज्यादा ना पहने। ज्यादा समय पहनने से जीवाणु मास्क के अंदरूनी तरफ पैदा हो जाते हैं। कोशिश करें कि आप मास्क के बाहरी ओर ना छुएं। अगर आपने छू लिया है तो चिंता ना करें, बस तुरंत अपने हाथों को साबुन से पूरी तरह धो लें। संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से बचें। उनके निजी सामान जैसे खाना, बर्तन, कप और तौलिया इस्तेमाल नहीं करें। सबका अपना अलग अलग तौलिया हो, माँ, पापा, बच्चा। अपनी आंखों, कानों और नाक को छूने से बचें। और सबसे जरूरी, मेडिकल सलाह लें अगर आप संक्रमित हो जाएं। सभी सुरक्षित रहें।